नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल चंदेल। देश में जिन लोगों ने स्वदेशी कोवैक्सीन की डोज ली है उनके लिए ये एक अच्छी खबर है। वो अब बिना किसी रोक टोक और परेशानी के ब्रिटेन की यात्रा कर पाएंगे। ब्रिटेन 22 नवंबर से कोवैक्सीन को अप्रूव लिस्ट में शामिल करेगा। पहले ब्रिटेन ने कोवैक्सीन को मंजूरी नहीं दी थी। भारत में बनी वैक्सीन कोवैक्सीन को अब विश्व स्वास्थ्य संगठन की मंजूरी के बाद ब्रिटेन ने भी इसके इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। यूके सरकार ने भारत की कोवैक्सीन को अपनी कोविड वैक्सीन की अप्रूवल लिस्ट में शामिल करने का फैसला किया है। इस फैसले से सबसे बड़ा फ़ायदा उन लोगों को होगा जिन्होंने कोवैक्सीन लगवाई थी और अब यूके की यात्रा करना चाहते हैं। यूके सरकार 22 नवंबर को कोवैक्सीन को अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए अप्रूवल कोविड 19 वैक्सीन की लिस्ट में शामिल करने जा रही है। भारत में ब्रिटेन के उच्च आयुक्त एलेक्स एलिन ने कोवैक्सीन को अप्रूव्ड वैक्सीन की लिस्ट में शामिल करने के फैसले के बारे में ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोवैक्सीन ले चुके भारतीयों को यूके आने पर क्वारंटाइन रहने की जरूरत नहीं होगी। ये बदलाव 22 नवंबर की सुबह 4 बजे से लागू होगा। यूके ने यह फैसला कोवैक्सीन को WHO की इमरजेंसी यूजेस की लिस्टिंग में शामिल करने के बाद लिया है। यूके सरकार पहले ही कोविड शील्ड को अप्रूव कर चुकी है। आपको बता दें कि भारत में कोवैक्सीन टीके का कोविड शील्ड के बाद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। वहीं भारत निर्माता ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेक कोविड 19 वैक्सीन कोविड शील्ड को पिछले महीने यूनाइटेड किंगडम की रिवाइज्ड लिस्ट में शामिल किया गया है। ब्रिटिश सरकार के उच्चायुक्त ने कहा कि ब्रिटिश सरकार का ये फैसला 22 नवंबर सुबह 4 बजे से प्रभावी हो जाएगा। कोवैक्सीन के अलावा चीन की सिनोवैक और सिनोफार्म दोनों को WHO की आपातकालीन उपयोग सूची में शामिल किया गया है, लिहाजा यूके सरकार द्वारा दोनों चाइनीज वैक्सीन को भी मान्यता दी गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।